सीबीआई जांच कर ये दो अनुशंसा करते मुझे पासे पे लटका दिया जेल में नहीं जाती, लेकिन नेता शामिल है और पास आज ईडी से डर है, कल सीबीआई आएगी तो क्या होगा। उन्होंने पेपर भेजे, युवाओं के सपनों को बेचने का काम किया, किसान का आम आदमी का बेटा और बेटी कैसे वो कर्जा लेकर पढ़ाते हैं। तो ये पेपर लीक माफिया की सरकार है जिसकी जनता इसको उखाड़ के फेंकेगी। बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है बड़ी बहुमत से, और युवा सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाया। मैं जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या जानकर उनके हल करने के लिए जा रहा हूँ। यह हालात गंभीर है। सबसे बड़ा मुझे बहुत हंसी आती है जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, जो कांग्रेस के निर्दलीय प्रत्याशी है, एक तरह से ए और बी दोनों टीम है, वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में काम नहीं हो, इस मोटरसाइकिल चोरी हो गई, नशा हो रही है। अरे भाई सरकार तो तुम्हारी थी, किस पर आरोप लगा रही, खुद की सरकार है, काम नहीं हो रहा, मोटरसाइकिल चोरी हो पा रही है, बर्दाश्त नहीं होगा। चोरी करने वाला भी जेल जाएगा, हॉस्पिटल की दुर्दशा भी सुधरेगी, आम आदमी को न्याय मिलेगा, सापरा का विकास होगा। मेरा सपना कि सापुरा नंबर वन विधानसभा क्षेत्र बने और जनता के बीच में रहूंगा, हर टाणी और गांव में रहूंगा, ये वीडियो सेव रहेगा। मैं वन से, माता से, बड़े बुजुर्गों से मिलूंगा, समस्या का हल भी करूंगा, जानूंगा, जितनी मदद है मैं मदद करूंगा। पार्टी की एकजुटता की बात करें तो उसके बारे में क्या कहेंगे, सुनने में आ रहा है कुछ कार्यकर्ता? देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं वो मेरा परिवार है और नाराजगी कोई भी हो, मान लीजिए मेरा सब घर में नाराजगी होती है, लेकिन वही रीढ़ की हड्डी है, वही इस चुनाव को जिताएंगे। कार्यकर्ताओं का सम्मान भी मैं बरकरार रखूंगा, कार्यकर्ताओं के पीछे ही मैं जीतूंगा, सब कार्यकर्ता एक साथ है, आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। चर्चा ये भी है कि आपने नंगे पांव रहने का संकल्प लिया है, क्या है? बिल्कुल, जब तक 3 दिसंबर तक परिणाम नहीं आ जाता मैं चप्पल जूते कुछ नहीं पहनूंगा, नंगे रहकर मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। जब राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहे थे तब भी मैं टी शर्ट में था, कि पता लग जाए कि वो कह रहा है कि मैं किसानों का दर्द जानता हूँ, मैं इनको युवाओं का दर्द जानूँ, मैं भी टी शर्ट में नहीं जाने। अब मैं नंगे पैर जनता को कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो इनके 5 साल में जितना दर्द सहा है, क्योंकि मैं नंगे पैर था, मेरे कंकर सब चुभ रहे, तो जनता ने जितना दर्द सहा है वो दर्द मैं सहन कर रहा हूँ, और फिर इस दर्द का बदला हम विकास करके और इन जो युवाओं के साथ धोखा करने वालों को जेल में डालकर जो पेपर लिख माफिया उनको जेल।